ओके, इट्स टाइम टू मूव वेक्टर लॉ। वेक्टर लॉ पे बात करते हैं। तो सबसे वेक्टर लॉ पढ़ने से पहले सबसे पहले समझते हैं मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, किसी भी दो वेक्टर को कैसे ऐड किया जाता है। सिंपली मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, इफ टू वेक्टर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट द सेम टाइम एंड सेम डायरेक्शन, सॉरी एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट द सेम टाइम विथ एन एंगल थीटा, तो उस वेक्टर को कैसे दिखाया जाता है। ध्यान से अगर आप देखें तो उसको जोड़ने का एकदम सिंपल तरीका है कि जो ए का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में ए वेक्टर को इस तरीके से बनाए, डायरेक्शन चेंज नहीं करता, और बी का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है। तो इसको जोड़ने के लिए ए का हेड बी के टेल से कोइंसाइड विदा बिना डायरेक्शन को बदले हुए पी वेक्टर, और इनके बीच का एंगल थीटा है तो इनके बीच का एंगल क्या हो गया, ये थीटा है ना। तो इनको जोड़ने के लिए क्या करना है, सिंपल, अगर दो वेक्टर लग रहे हैं तो ए का हेड बी के टेल से कोइंसाइड और इन दोनों का रिजल्टेंट कहां से कहां तक, फर्स्ट वाले वेक्टर के टेल से और लास्ट वाले वेक्टर के हेड तक सिंपल एक वेक्टर बना देना है। दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। तो वेक्टर एडिशन में क्या बोला गया कि ए का वेक्टर बी के टेल से कोइंसाइड, देन अ सिंगल वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर इज नोन एज रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट इफेक्ट, जो मतलब कि ए वेक्टर और बी वेक्टर जो पार्टिकल पे मिलकर जो इफेक्ट पहुंचा रहा होगा वो इफेक्ट आर वेक्टर, एक सिंगल वेक्टर अकेला पहुंचाएगा, इसलिए इसको रिजल्टेंट वेक्टर बोला गया। तो रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर को ऐड करने का सिंपल तरीका क्या है, वेक्टर ए को पहले वाले वेक्टर के दूसरे वाले वेक्टर के टेल से कोइंसाइड, देन अ सिंगल वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द टेल टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर इज नोन एज रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर, देन दिस वेक्टर आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इस तरीके से। लेकिन अगर आपको किसी दिन यह बोल दिया गया कि किसी वेक्टर पे दो वेक्टर, किसी पार्टिकल पे दो वेक्टर नहीं तीन वेक्टर लग रहे हैं, ए वेक्टर इस तरीके से, बी वेक्टर इस तरीके से और सी वेक्टर इस तरीके से, तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे। तो किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन नहीं बदलना है और ना तो इसकी लंबाई बदलनी है, बस जिस तरीके से लग रहा है उसी तरीके से लगाना है। पहले वाले वेक्टर का हेड वेक्टर नंबर ए दूसरे वाले वेक्टर के टेल से कंसाइड करना है वेक्टर बी, और दूसरे वाले वेक्टर का हेड तीसरे वाले वेक्टर के टेल से कंसाइड करना है बिना डायरेक्शन बदले। ये बन गया वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, तीनों को जोड़ दिया। तो पहले वाले वेक्टर का हेड दूसरे वाले का टेल, दूसरे वाले का हेड तीसरे वाले का टेल, देन अ सिंगल वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर इज नोन एज रिजल्टेंट ऑफ दीज थ्री वेक्टर्स। इस रिजल्टेंट को कैसे दिखाया जाएगा, रिजल्टेंट आर वेक्टर इज इक्वल टू द ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इस तरीके से। और अगर इस तरीके से एन वेक्टर लग रहे हो किसी पार्टिकल भी किसी सेम टाइम में, तो एन वेक्टर को जोड़ने का तरीका भी यही होगा, बिना डायरेक्शन बदले किसी वेक्टर को क्या करना है, पहले वाले वेक्टर का हेड दूसरे वाले के टेल से कोइंसाइड, दूसरे का हेड तीसरे के टेल से कोइंसाइड, तीसरे का हेड चौथे के टेल से कोइंसाइड, देन अ सिंगल वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर, जो कुछ भी है वॉट एवर बी द वेक्टर्स लास्ट में जो भी आएगा, इज नोन एज रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर्स दिस एन वेक्टर्स, जो भी हो रहा होगा। तो इस तरीके से मैंने दो का आपको दिखाया कि किस तरीके से जोड़ा जाता है, आपको दिखाते हैं इसको जोड़ने का, इसको सॉल्व करने का क्या मेथड होता है। एक तो होता है वेक्टर एडिशन, एक आपका क्या होता है वेक्टर एडिशन ऑफ ट्रायंगुलर मेथड, और दूसरा होता है वेक्टर एडिशन ऑफ पैरेललोग्राम मेथड। तो आपको मैं पैरेललोग्राम मेथड सिखा रहा हूं,
ट्रायंगुलर मेथड आप बुक से देखिएगा। बेसिकली कहा जाए तो ट्रायंगुलर मेथड और पैरेललोग्राम मेथड दोनों ही सेम होते हैं, दोनों के रिजल्ट भी सेम आते हैं, बस थोड़ा सा अलग होता है। क्या अलग होता है मैं बात करता हूं क्या अलग होता है। मान लेते हैं कोई भी पार्टिकल है हमारा, ये पार्टिकल, इस पार्टिकल में दो वेक्टर किसी सेम टाइम पे लगते हैं, एक वेक्टर ए इधर और एक वेक्टर बी इधर, इनके बीच का एंगल थीटा। इसको दिखाएंगे कैसे, इसको दिखाने का सिंपल तरीका ये है, ए वेक्टर ये, बी वेक्टर क्या होगा ये, और इस ए और बी वेक्टर का रिजल्टेंट आपका ये, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर, और ये आपका एंगल होगा एंगल थीटा, जो थीटा। तो ये एंगल थीटा है, तो ये आर वेक्टर को तो जान गए, तो आर वेक्टर को क्या सिंपली लिख सकते हैं, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड पे बात करना है कि अगर किसी पार्टिकल को किसी सेम टाइम पर वेक्टर ए वेक्टर बी लग रहे हैं किसी एंगल थीटा पर, तो इनका मैग्नीट्यूड जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी। तो हमने बना दी, इसी को बोलते हैं बेसिकली ट्रायंगुलर मेथड। तो अगर मैं क्या करता हूं, अभी मैंने आपको सिखाया कि अगर इस वेक्टर को पैरेलल में शिफ्ट कर दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं इस वेक्टर को पैरेलल में शिफ्ट कर दूं, कौन से वेक्टर को, बी वेक्टर को, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बी वेक्टर को पैरेलल में शिफ्ट अगर किया जाए तो कुछ इस टाइप से होगा, ये बी वेक्टर, चाहिए देखें चाहिए देखें, एक ही बात है, चाहिए हो चाहिए हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तब अगर आप ध्यान से देखें तो क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। अगर इसे ए वेक्टर बोलेंगे तो ये भी क्या कहलाएगा, ए वेक्टर, क्योंकि पैरेललोग्राम में दोनों साइड के जस्ट अपोजिट साइड में जो हमारा साइड होता है वो एक दूसरे के पैरेलल होता है, तो ये भी इसके पैरेलल है, ये भी इसके पैरेलल है, तो ये क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया। तब अगर आप ध्यान से देखें तो ए वेक्टर का टेल और बी वेक्टर का टेल एक साथ में है, इनका रिजल्टेंट इसके जस्ट बीच से जा रहा है, तो ऐसा होता है हमेशा। अगर आप ट्रायंगुलर मेथड देखेंगे, ट्रायंगुलर मेथड के हिसाब से क्या होगा, एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से कंसाइड, देन अ सिंगल वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर इज नोन द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। लेकिन इसी बी वेक्टर को हम पैरेलल में अगर शिफ्ट कर देते हैं तो हमें यह लगता है कि इस पैरेललोग्राम में जो दो वेक्टर होते हैं, एक वेक्टर का टेल दूसरे वेक्टर के टेल से कंसाइड, और अगर ये थीटा एंगल है तो ये भी कितना होगा, ये भी थीटा एंगल ही होगा, तो इन दोनों का जो रिजल्ट होगा, रिजल्टेंट होगा, वो इस पैरेललोग्राम के एक डायगोनल को रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आई बात, पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है, पैरेललोग्राम लॉ सिंपल ये बोल रहा होता है कि अगर किसी पार्टिकल पर किसी सेम टाइम पर, इफ टू वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट द सेम टाइम एंड सेम पोजिशन, देन द टू वेक्टर रिप्रेजेंट्स द एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम, टू वेक्टर रिप्रेजेंट्स द एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम विथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी, देन द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ द दीज टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट्स द वन डायगोनल ऑफ दैट पैरेललोग्राम विच इज पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द वेक्टर एंड वेक्टर बी, जो हमारा वेक्टर और वेक्टर बी के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करता है। तो मैं सीधा सीधा क्या बोलता हूं, सीधा सीधा ये बोलता हूं कि दो वेक्टर अगर किसी पार्टिकल सिंपल लग रहे हैं तो पैरेललोग्राम लॉ से क्या होगा कि दो वेक्टर का टेल एक पॉइंट से पास होना चाहिए और उसका रिजल्टेंट हमेशा उसके बीच से पास होगा, मतलब ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये आर वेक्टर बीच से। वो जो पहले वाला बताया था ये क्या था, ट्रायंगुलर मेथड था, और ये क्या है, ये पैरेललोग्राम मेथड है ना। अब इसका मैग्नीट्यूड मतलब ये आर वेक्टर की वैल्यू मुझे निकालनी है। अभी मैंने बताया कि वेक्टर का जो लेंथ होता है वो वेक्टर का लेंथ हमारे मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, तो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है मतलब ये पूरी की पूरी लंबाई कितनी हो गई बी, और ये पूरी की पूरी लंबाई कितनी हो गई ए, ये पूरी पूरी लंबाई कितनी हो गई आर, इसी आर को निकालना है। तो करेंगे क्या, हम ड्रॉप ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन दिस लाइन, जैसे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया
तो आपको ये वैल्यू निकालनी है। अब ये वैल्यू निकालनी है तो इस वाले ट्राइंगल से तो कभी निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि ये वैल्यू अगर निकालनी है तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, तो पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते। पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल निकालना है, लगाना है। तो राइट एंगल ट्राइंगल लगाने के लिए पाइथागोरस थ्योरम आपको दो ट्राइंगल राइट एंगल दिख रहा है, ये और ये दो ट्राइंगल, एक ट्राइंगल छोटा वाला और एक ट्राइंगल बड़ा वाला। तो बड़े वाले ट्राइंगल में आपको ये आर मिल सकता है। आर कैसे मिलेगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू द हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। तो ये हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। लेकिन चक्कर ये है कि ये परपेंडिकुलर नहीं पता है और ये बेस नहीं पता है। तो इस परपेंडिकुलर और इस बेस को पता करने के लिए हम इस वाले ट्राइंगल में एक बार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाएंगे, उसके बाद हम इस वाले बड़े वाले ट्राइंगल में क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा ये बात है, तो आगे देखते हैं। यहां पर परपेंडिकुलर, इस परपेंडिकुलर को y मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, इसको इतने लेंथ को x, इतने लेंथ को y, और ये हमारा ये लेंथ कितना है b। अब अगर आप ध्यान से देखें, आप लगा साइन थीटा, तो जैसे ही साइन थीटा लगाएंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। इस वाले ट्रेंगल में साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, मतलब y अपॉन में कैपिटल b, मतलब y इज इक्वल टू b साइन थीटा। इसी तरीके से cos थीटा इसी ट्राइंगल लगाएं, cos थीटा लगाएंगे हाइपोटेन्यूस x अपॉन में सॉरी बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, तो बेस कितना है x और हाइपोटेन्यूस कितना है b, तो कितना हो जाएगा x अपॉन में b, तो x की वैल्यू कितनी हो गई b cos थीटा। इस तरीके से x की वैल्यू भी पता चल गई, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस पता चल गया। तो बड़े वाले ट्राइंगल में अगर आप देखें तो अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन बड़ा वाला ट्राइंगल, तो अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन बड़ा वाला ट्राइंगल, तो बड़े वाले ट्राइंगल में ये डिस्टेंस कितना हो गया r, r का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब y का स्क्वायर प्लस में a प्लस x का स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखें तो r, r स्क्वायर इज इक्वल टू y की वैल्यू कितनी, वहां से b साइन थीटा का होल स्क्वायर, b साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस a प्लस x की वैल्यू कितनी है b cos थीटा का होल स्क्वायर। देन दिस इज इक्वल टू r स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 2ab cos थीटा। अभी के तरह से आप अगर ध्यान से देखें देन दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा r स्क्वायर, a स्क्वायर को आगे खींच दिया प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर कॉमन कर लो, क्या मिला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू a इंटू b cos थीटा, ये क्या बन गया 1। देन दिस इज इक्वल टू r स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये 1 हो गया प्लस 2ab cos थीटा। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। अच्छा एक बात और है कि अगर रिजल्टेंट का वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता चल गया तो डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, डायरेक्शन हम एंगल से निकालते हैं। मान लीजिए ये एंगल वेक्टर ए से, मतलब पहले वाले वेक्टर से कितना एंगल बनाया अल्फा, तो अगर पहले वाले वेक्टर से अल्फा एंगल बना रहा है तो कैसे निकालेंगे, वेरी सिंपल। इसी बड़े वाले ट्रायंगल में ध्यान देखें, ये टैन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो टैन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर वाई अपॉन में बेस ए प्लस एक्स, तो टैन अल्फा इज इक्वल टू ये कितना है बी साइन थीटा अपॉन में कितना हो जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा। दिस इज द डायरेक्शन, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी आर इज इक्वल टू पूरा का पूरा रूट हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस टू इंटू ए इंटू बी कॉस थीटा, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। तो गाइस याद रखना कि वन एवर टू वेक्टर वेक्टर एंड वेक्टर बी आर एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट द सेम टाइम एंड सेम पोजीशन एट एन एंगल थीटा, देन द रिजल्ट एंड वेक्टर ऑफ दीज वेक्टर वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्ट वेक्टर इज इक्वल टू द आर बराबर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू बी कॉस थीटा एंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्ट एंड वेक्टर टेन अल्फा इज इक्वल टू द बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। मैं इसको ऐसे रखता हूं, टेन अल्फा इज इक्वल टू दूसरा वाला वेक्टर साइन थीटा अपॉन में पहला वाला वेक्टर प्लस दूसरा वाला कॉस थीटा। टेन अल्फा, टेन अल्फा मतलब अल्फा जिस वाले वेक्टर से निकाले वो पहला वेक्टर हो गया और वो बी क्या हो गया, दूसरा वेक्टर हो गया। तो क्या लिखेंगे यहां पर, टेन अल्फा इज इक्वल टू दूसरा वाला वेक्टर बी साइन थीटा, इनके बीच का एंगल ए और बी के बीच का एंगल, और अपॉन में ए प्लस दूसरे वाले वेक्टर का कॉस थीटा, मतलब बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, जब आप एंगल पहले वाले वेक्टर से निकाल रहे होंगे तो। लेकिन अगर आपको एंगल दूसरे वाले वेक्टर से निकालने के लिए बोल दिया, मतलब ये हो गया आपका बीटा, तो क्या करेंगे, तो टैन बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये पहला वेक्टर हो गया अगर टैन बीटा यहां से निकाल रहे हैं तो, है ना, तो ये पहला वेक्टर ये दूसरा वेक्टर, तो उस केस में टैन बीटा इज इक्वल टू ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा, सिंपल। दूसरा वाला वेक्टर साइन थीटा अपॉन में पहला वाला वेक्टर प्लस दूसरा वाला कॉस थीटा। अब इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ऊपर साइन रहेगा नीचे कॉस रहेगा, सिंपल ऊपर साइन नीचे कॉस रहेगा, क्यों, क्योंकि इधर टैन है, टैन में एक लॉजिक है, सिर्फ लॉजिक है, क्योंकि टैन अल्फा बराबर तो साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा ही होगा, लेकिन एक लॉजिक बता रहा हूं कि अगर टैन है तो ऊपर साइन रहना नीचे कॉस रहना है, तो हमेशा ऊपर क्या रहेगा साइन रहेगा नीचे क्या रहेगा कॉस रहेगा, लेकिन ऊपर दूसरा वाला साइन अपॉन में पहला प्लस दूसरा वाला कॉस, सिंपल। याद रखिएगा जब कभी किसी पार्टिकल पे सेम टाइम में सेम पोजीशन पे अगर दो वेक्टर वेक्टर और वेक्टर बी लग रहे हैं किसी एंगल थीटा पर, तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और उनका मैग्नीट्यूड ये अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू बी कॉस थीटा, दिस इज द डायरेक्शन, और वो हमेशा रिजल्टेंट वेक्टर दोनों वेक्टर के हमेशा बीच से जाएगा अगर पैरेललोग्राम लॉ फॉलो कर रहे हैं तो। ठीक है, स्क्रीन पॉज करके बताइए, अच्छा वेक्टर लॉ के कुछ एग्जांपल में बात करते हैं। वेक्टर लॉ का कुछ एग्जांपल हमारे इस तरीके से कि मान लेते हैं, पहला एग्जांपल कि मान लेते हैं दो वेक्टर, एक है वेक्टर ए और दूसरा है वेक्टर बी, लेट टू वेक्टर वेक्टर एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू इच अदर, दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री है, अगर दोनों के बीच का एंगल हमारा 90 डिग्री है तो इनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ध्यान से अगर आप देखें रिजल्टेंट आपको पता चल गया इसका रिजल्टेंट हमेशा किधर से जाएगा, बीच से, और ये पहले वाले वेक्टर से एंगल कितना बना रहा है मान लो अल्फा। तो ध्यान से अगर आप देखें ये वेक्टर आर निकालना है तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना हो गया 90, मतलब थीटा बराबर 90, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर इज इक्वल टू रूट में पहला वाला वेक्टर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस में कितना 90, क्योंकि ए और बी के बीच का एंगल कितना है 90, कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है, ये पूरी की पूरी जीरो हो जाएगी, मतलब आर की वैल्यू कितनी हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा बी स्क्वायर। अच्छा इसका डायरेक्शन की बात करें, अगर इसके डायरेक्शन की बात करते हैं तो डायरेक्शन आप लगा सकते हैं टैन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, क्योंकि पहला वेक्टर तो ए है दूसरा वेक्टर बी है, लेकिन अगर दूसरा वेक्टर बी है यहां पर आप सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं डायरेक्शन, अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला हमारा ट्राइंगल देखें ये अगर ट्राइंगल देखेंगे ये बी वेक्टर है तो ये भी बी वेक्टर होगा, मतलब इसका मैग्नीट्यूड बी होगा इसका मैग्नीट्यूड ए होगा, तो टैन अल्फा लगा सकते हैं, और अगर टैन अल्फा लगा सकते हैं टैन अल्फा की वैल्यू सिंपल कितना जाएगी बी अपॉन में ए, यही टैन अल्फा तो मैंने वहां भी किया था सॉल्व करते समय, और यहां टैन अल्फा से बड़े आसानी से वैल्यू निकल जा रही है, फॉर्मुला लगाने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आप फॉर्मुला भी लगाते तो तब भी यही आंसर आएगा, उसमें कौन सी खास बात है। दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं, दूसरे टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं, मान लेते हैं दो वैक्टर है वैक्टर ए और दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है मतलब दोनों वैक्टर ए है दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, तो इनका रिजल्टेंट हमेशा किधर से जाएगा बीच से, इनका रिजल्टेंट हमेशा बीच से जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू आप सिंपल लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर इज इक्वल टू पहला वाला वेक्टर ए स्क्वायर दूसरा वाला वेक्टर भी ए स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा टू इंटू ए कितना कॉस में
90। अच्छा कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है, मतलब पूरी जीरो हो जाएगी, मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट में कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट में टू इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर बाहर हो जाएगा तो ए हो जाएगा, मतलब रिजल्टेंट वैल्यू कितनी आ गई, ए रूट टू, दिस इज द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। अच्छा अगर आप बात करें इसके डायरेक्शन की, इसके डायरेक्शन की वैल्यू ले लीजिए अल्फा और इस अल्फा की वैल्यू निकाल दीजिए, ये ए है तो ये भी कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। ध्यान से अगर आप देखें तो टैन अल्फा की वैल्यू, टैन अल्फा की वैल्यू आपकी कहलाएगी ए अपॉन में ए, ए अपॉन में ए ने ए को मार दिया, वन बचा। अच्छा वन कब आता है, जब अल्फा की वैल्यू कितनी आती है 45 डिग्री, मतलब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये दिस इज द 45 डिग्री। अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन आपका इस तरीके से है कि दो वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन दोनों वेक्टर एक दूसरे से 60 डिग्री पर लग रहे हैं, ये 60 डिग्री है। अगर ये आपके 60 डिग्री है तो इनका रिजल्टेंट पक्का है इसके बीच से जा रहा होगा। अच्छा इसका रिजल्टेंट पक्का इसके बीच से जा रहा होगा तो इसका रिजल्टेंट हमने इस तरीके से बना दिया, ये वेक्टर आर है और इसका डायरेक्शन कितना अल्फा, और दोनों की वैल्यू कितनी है, दोनों की वैल्यू हमने ए मान ली कि ये भी ए है तो ये भी कितना है ए। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इसके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड अगर आप ध्यान से देखें तो आर की वैल्यू कितनी होगी, पहला वाला वेक्टर प्लस में दूसरा वाला वेक्टर प्लस में कितना, टू इंटू ए इंटू है, इनके बीच का एंगल कॉस 60, कॉस 60 हो गया। अच्छा कॉस 60 की वैल्यू 1/2, देन आर इज इक्वल टू कितना, ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर प्लस में टू ए स्क्वायर इंटू में वन अपॉन में टू, ध्यान से देखिए टू ने टू को मार दिया तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर थ्री ए स्क्वायर, तो आर की वैल्यू कितनी हो गई, रूट में थ्री ए स्क्वायर, मतलब ए रूट थ्री, रिजल्टेंट की वैल्यू ए रूट थ्री। अच्छा इसका डायरेक्शन, अब यहां पे आप टेन अल्फा नहीं लगा सकते क्योंकि ये जो ट्राइंगल बन रहा है ये ट्राइंगल आपका राइट एंगल ट्राइंगल है तो आपको फॉर्मुला ही यूज करना पड़ेगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो टेन अल्फा दूसरा वाला वेक्टर भी ए है लेकिन साइन में कितना 60 अपॉन में पहला वाला वेक्टर प्लस में ए कॉस में 60। अच्छा ए कॉमन निकाल के काट दो, ए कॉमन निकाल के काट देंगे, साइन 60 की वैल्यू रूट 3/2 अपॉन में 1 प्लस कॉस 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। अच्छा 1 प्लस 1/2 3/2, 2 ने 2 को मार दिया कितना हो गया रूट 3/2 अपॉन में 3/2, 2 ने 2 को मार दिया तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई रूट 3 अपॉन में 3, और रेशनलाइजेशन करेंगे रूट 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी 1 अपॉन में रूट 3। अब अगर आप ध्यान से देखें 1 अपॉन रूट 3 टेन में कब आता है, जब एंगल कितना हो 30 डिग्री, मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तभी आ सकता है वरना 1/√3 आना पॉसिबल नहीं है। तो ये चीजें थी, आपको कैसे अप्लाई करना है, कैसे सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन मैं और ले लूं तो उसको मैं आपको बताता हूं, एक क्वेश्चन आपका इस तरीके से, दो वेक्टर हैं, दोनों वेक्टर एक दूसरे से 120 डिग्री बना रहे हैं, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है 120 डिग्री, तो ये तो पक्का है इनका रिजल्टेंट हमेशा इसके बीच से जा रहा होगा, ये रिजल्टेंट, और ये एंगल कितना बना रहा है मान लो अल्फा, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर इज इक्वल टू रूट में ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू ए कॉस में एंगल बिटवीन टू वेक्टर 120 डिग्री। अच्छा वन कॉस 120 की वैल्यू -1/2, देन दिस इज इक्वल टू कितना ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस में टू ए स्क्वायर -1/2 ने 2 को मार दिया, क्या बचाया माइनस ए स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू कितनी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये इसको काट दिया इसकी वैल्यू सिंपली आ गई ए, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई आपकी ए। अच्छा डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो डायरेक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डायरेक्शन की वैल्यू आ जाएगी टेन अल्फा, टेन अल्फा इज इक्वल टू ए साइन 120 अपॉन में ए प्लस में ए कॉस 120, तो ए कॉमन निकाल के काट देंगे और साइन 120 की वैल्यू रख देंगे और कॉस 120 की वैल्यू रख देंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब अगर आप ध्यान से देखें साइन 120 की वैल्यू कितनी आ जाएगी रूट 3/2,
वन प्लस एक निकाल के काट दीजिएगा, कॉस 120 की वैल्यू 1/2, माइनस कॉस 120 की वैल्यू -1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू हाफ आ जाएगी, हाफ से वो 2 चला जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, टेन अल्फा, टेन अल्फा की वैल्यू आपके पास आ गई √3। तो √3 का पता है जब ये कभी तभी पॉसिबल है जब अल्फा की वैल्यू कितनी आए, 60 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आप ध्यान रखिएगा जो मैं बोलने जा रहा हूं, और जो मैं बोलने जा रहा हूं तभी के लिए जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, जनरली क्लास 12th में और ज्यादातर क्लास 11th में भी दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम होते हैं तो डायरेक्ट आंसर लिखने के काम में आता है, और अगर नहीं है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो जैसे मैं लगा रहा हूं। मैं कह क्या रहा हूं कि जब कभी दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के 90 डिग्री पे लगे तो सीधा रिजल्टेंट में √2 का मल्टीप्लाई कर दो, 60 डिग्री पे लगे तो सीधा √3 का मल्टीप्लाई कर दो, और 120 पे लगे तो आंसर वही आएगा जो एक वैल्यू, एक वेक्टर का वैल्यू है। एक वेक्टर का वैल्यू कितना है, ए मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए, तो 120 पे लगे तो सीधा ए, 90 पे लगे तो √2 का मल्टीप्लाई, और 60 पे लगे तो सीधा √3 का मल्टीप्लाई। और दूसरी चीज, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये कि जो रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन होगा वो दोनों वेक्टर को एकदम बीचों बीच चीरते हुए जाएगा, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट हमेशा बीचों बीच जाएगा। ध्यान से अगर आप देखें, इनकी बीच का एंगल 90 है तो 45 से गया, इनकी बीच का एंगल 60 है तो 30 से गया, और अगर इनकी बीच का एंगल कितना है 120 है तो 60 से गया। तो ये लॉजिक, ये शॉर्ट ट्रिक तभी तक काम करेगा जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन अगर दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग हो गया, एक ए हो गया एक 2A हो गया, या एक ए हो गया ये दूसरा वाला कुछ भी है, तो आपको आपके पास एक ही चारा है, सीधा फॉर्मूला लगाए, गो विद द बेसिक, है ना। आप ऐसे ही लगा सकते हैं, लेकिन ऐसे तब लगा सकते हैं आपको 80% 70% क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, 90 डिग्री पे है तो इस तरीके से होगा, 120 पे तो इस तरीके से होगा, और अगर 60 डिग्री पे इस तरीके से होगा, तो इस तरीके के क्वेश्चन इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रहा आपका तरीका कि वेक्टर लॉ को कैसे फॉलो करना है, क्लियर है, ओके, थैंक यू वेरी मच। हम अब आगे आपको डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पे आपको लेक्चर बनाएंगे फिर आने वाले समय में, फिर उसके बाद हम चलेंगे SHM पर, SHM और वेव्स जो हमारे टॉपिक्स हैं, SHM वेव्स और एरर्स, SHM वेव्स और एरर हम कवर करेंगे आगे वाले लेक्चर में, ओके, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।